विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह से शुरू हुई, लेकिन रतलाम विधानसभा मतगणना केंद्र पर पत्रकारों का यहाँ मतगणना केंद्र के अंदर जाने के लेकर कुछ विवाद हो गया। हम यहाँ बात करेंगे जो पत्रकार हैं उन लोगों से। मुकेश जी, ये बताएं क्या विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ? मतगणना केंद्र पर मीडिया कर्मियों के साथ बदसुलूकी है, अव्यवस्थाओं का आलम है। और जब हम मीडिया डीएम से हम बात करने जा रहे थे तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसुलूकी की और प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ कैमरे एक कैमरे को ले जाके हमको अलाउ किया जा रहा है, जबकि हमारे पास जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो पास जारी किए गए, हम मतगणना केंद्र में कितनी ही बार जा सकते हैं, कितनी बार पुनः प्रवेश की हमको पात्रता है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे हमें सहयोग नहीं किया जा रहा, हठधर्मिता की जा रही, इसलिए फिलहाल हमारा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। अभी हम लोग अंदर जा रहे थे तो जाने से लिए रोका है, हमने कहा अपने गार्ड बताया कि हमको पहली कवरेज करने जाना है और सारी ऊपर डिटेल भेजनी है, लेकिन उनने हम लोग को जाने से मना कर दिया कि कोई भी मोबाइल और कोई कैमरा अलाउ नहीं है और जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाने देंगे। तो अच्छा, क्या कुछ बातचीत हुई क्या प्रशासन के अधिकारी वगैरह? नहीं, प्रशासन के अधिकारी आने को तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, आप बताएं क्या हुआ था, मेन क्या रीजन क्या रहा था? पत्रकारों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, जबकि हमको निर्वाचन आयोग ने कार्ड दिया है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है प्रवेश और पुनः प्रवेश। उसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, ऐसा क्या मामला अंदर हो रहा है जो पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे, प्रशासन ने क्या व्यवस्था अच्छी नहीं रखी, क्या रखा? निष्पक्ष मतगणना हो रही है, मतदान निष्पक्ष हो रहा है, तो यहाँ पक्षपात किस लिए हो रहा है? जिला पंचायत चुनाव में भी यही शिकायतें मिली थी, हर चुनाव में यही शिकायतें मिलती हैं। क्यों शिकायतें होती हैं? आयोग की, अधिकारियों की, पुलिस की, राजनीतिक दलों द्वारा कहीं ना कहीं सत्यता दिख रही है नहीं कि कहीं ना कहीं तो पक्षपात हो रहा है, तभी तो रोका जा रहा है। कैमरा अगर आपने रख लिया, मोबाइल रख लिया, आप पर्सन को रोक रहे हैं, जनसंपर्क अधिकारी को रोक रहे हैं, तो किस प्रकार का ऐसा प्रशासन जो जनसंपर्क अधिकारी को नहीं पहचानता है? ऐसे लोगों की निर्वाचन में कर्तव्यनिष्ठता की ड्यूटी क्यों लगाई गई है? ये सरासर गलत है और उसका हम विरोध करते हैं, रतलाम पूरे पत्रकार संघ। आप बताएं मतलब क्या हुआ था? ये हमारे पदाधिकारियों को, मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है, पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही है मतगणना के दौरान, इसलिए ऐसा भेदभाव किया जा रहा। हमारे सुशील भाई ने सही कहा कि पूरे मामले में पक्षपात रखा जा रहा है, जब निष्पक्ष चुनाव है तो पक्षपात क्यों रखा जा रहा? कुछ ना कुछ अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। आप बताएं क्या कहेंगे? देखिए, सीधा सा बात है कि मीडिया कर्मी आए हैं तो कवरेज करने के लिए आए हैं, कोई देखने के लिए तो आए नहीं है, तो उन्हें अंदर जाने देना चाहिए, यहाँ पर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब विरोध कर रहे हैं और बाहर ही अपना विरोध जता रहे हैं। ये थे रतलाम के पत्रकार, जिन्होंने बताया कि उनके साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद का वो पटाक्षेप भी चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी, कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर या कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अभी तक रतलाम के पत्रकारों से बात करने के लिए मतगणना केंद्र से बाहर नहीं आया है। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।